बहुत ही जुझारू ढंग नाल आप जी ढाडी वारां दा गायन सरवण कर रहे सो। स्वर लय ताल ते बुलारे सारे बाकमाल ने बहुत खूबसूरत ढंग नाल पेशकारी सी। जिन्हां नाल बीतियां होण उन्हां दे अंदर जज्बा हुंदा है, उन्हां अंदर नकली पुन नहीं हुंदा, उन्हां दे अंदरों वो दुख वो बैराग वो चीज वो हूक निकलती है। सो मैं डाढ़ा मुतासर होया इस जत्थे तो बहुत प्यारे ढंग नाल पेशकारी कर रहे सन। वो जदों भाई साहब जी लैक्चर कर रहे सन मैं नाल नाल उस सीन वेख रहा सन, सारे सचखंड श्री दरबार साहब विखे जो हो रहे सन। थोड़ा जहा मैं दस देवा, ज्यादा तो नहीं, बड़ा वक्त लग जाता है। केरा तो पहली तरीक न पै गया सी, पहली जून CRPP ने पाया सी, सेंट्रल रिजर्व फोर्स ने। पहली तरीक न ही बबर खालसा दा सिंह भाई महंगा सिंह भाई साहब जी ने पता है गुरु घर के वजीर साहब न भाई महंगा सिंह जी उन्हें शहीदी पा गए सन बाबा टल राय दे मीनार तो। उस दिन तो कम पक गया सी, फौज बाद विच आउंदी है 4 तरीक नूं अंदर एंटर हुंदी है। ड्यूटी ते दरबार साहिब सी, रोजाना बदलदी रहिंदी सी, पर मेरी जिहड़ी रिहायश सी इनफॉर्मेशन ऑफिस दे उत्ते सी, इस करके किधरे जाण नहीं सी हुंदा। उत्थों बाहरों दे आ के अंदर आ जाणा ते अंदर जाके उत्थे ये ना भी दरबार साहब होना तो भी सारा कुछ दिसदा सी। उतों 3 तरीक नूं ड्यूटी सी मेरी शाम दी, भाई साहब मेरे नाल सन जिहड़े मेरे पहले तबले वाले सी, वो तो अक्कल नाल नहीं, ये तो छोटे ने। 3 तरीक नूं ड्यूटी सी साड़ी, गल्लां तो बहुत ज़्यादा है, कई बार सच भी बंदे नूं फांसी चढ़ा दिंदा है। भाई साहब बैठे उन्होंने पता है इस बारे, स्टेजा ते गल्लां उन्नियां की हो सकदियां जिहड़ियां वाजिब हुंदियां ने। कोशिश की थी कि सानू हथियार मिल जाण, पर यह समझ के दिते गए कि तुसी अकाली हो, बस टूक मात्र ही मैं दस सकता हूँ। दुख भी बड़ा होया सी, सिख कौम विच जे ये गल्लां ना होण तो असी हुण नूं अपनी मंजिल छू लैणी सी। काश असी सारे सारिआं नूं बराबर दे सिख समझ सकीए, असी संप्रदावां विच ना वंडे होईए। फलाना फलाने का सिंह है, फलाना फलाने का सिंह है, तो फिर गुरु का सिंह कहड़ा होया, गुरु गोबिंद सिंह जी का कहड़ा होया। हालात ये हो गए ने, हुण तो ज़्यादा ही कलारा पै गया, तुहानूं पता ही है सारा। गदार भी यही चाहते सन कि इस तरह हो जाए, वह हो गया, और गदार वो मरे नहीं, जीवदे जागदे है जिन्हों का भाई साहब जिक्र कर रहे सन, वो कभी भी नहीं होने देंगे इस तरह। लेकिन यह समझ इतनी तो सिख नूं है ना कि असी किसी भी जंदी जथेबंदी नाल होईए पहला सिख है, पर उस वक्त भी अंदर दे हालात कशीदगी भरे सी आपस विच भी। जथे वाले सिंघां नूं पता उस बारे, जानदे ने सारे, पर मैं समझदा कि ऐसे वाली इन्हां गल्लां नूं नज़रअंदाज करके ईरखा नूं, द्वैश नूं, ऊच नूं, नीच नूं, तेर नूं, मेर नूं, अपने जथेबंदे नूं छड के सिर्फ इक्को ही होना चाहीदा सी कि साडी मंजिल इक है, इस करके असीं इकट्ठिआं होणा। पर सदा ही असीं थिड़क जांदे इस गल तों। 3 तरीक नूं अंदर सां असीं, भाई साहब शाम नूं चले गए क्योंकि इन्हां ते जाणा सी, बाहर रहिंदे सन, विजयनगर रहिंदे सन बटाला रोड ते अमृतसर विच, ते मैं जा ही नहीं सकता सी, चाह के भी नहीं जा सकता सी। तड़के ठीक रात दे 4 कु बजे घेरा पूरी तरीके नाल पै चुका सी। वैसे अंदरले बैठे सिंघां नूं ये उम्मीद नहीं सी कि गौरमेंट उस वक्त जी इत्थों तक कमीना कम कर जाएगी कि दरबार साहब दे अंदर फौजां भेज देगी, सोच किसी की भी नहीं सी जितों तक मैनू पता है।
हर एक सोचता सी डरा धमका देंगे पर ऐसा काम नहीं करेंगे, अपने देश में इस तरह नहीं करेंगे। मैं 4 बजे के करीब उदो तकिया कि पहला एक गोला तोप का आया, वो एडा भयानक सी, इन्नी ज़्यादा आवाज़ सी कि सारा इलाका हिल गया सी। और ये पहला तोप का गोला एक टैंकी सी अजीत नगर वो तो उतों आया सी, उत्थे उन्हें तोप लाई हुई सी और उन्होंने सब तो पहला निशाना बनाया सी गुरु रामदास सरां दे विच एक टैंकी सी पानी वाली जी दरबार साहब सारे सप्लाई करती सी, वो उत्ते बबर खालसा दे सिंघां ने मोर्चा लाया सी। सब तो पहला उत्थे मारिया सी गोला, 2-3 गोले मारे सिंघां नूं पता लग्या सी उतर गए सन ते टैंकी टैटेरी पानी समेत हो गई सी। उत्थों कुछ प्राप्त नहीं होया सी उन्हां दे फौजां नूं, सिंघ उतर गए सन, बड़े तरीके नाल कम कर रहे सन। खैर जो मैं तकिया है जिन्ना क तकिया वो ये कि 4 बजे शुरू हो गया है कम और गह गच लड़ाई होंदी रही, अंदर तो कोई आउण दी हमाकत कर नहीं सकता सी, आउंदा नहीं सी। अंदरों जितों गोलाबारी हो रही सी उन्हां बारे सानू ही पता केड़ियां केड़ियां जगावां सन, सारियां दा जिक्र करना भी ठीक नहीं, कोई बहुता वह बाहरले नूं बिल्कुल नहीं पता। इस करके वो अंदर ज़्यादा अड़के आ गए, उन्होंने अंदाजा नहीं सी, भावें ना चक्राता यूपी चे मॉडल बना बना के प्रैक्टिसा कीतियां पर सारिया फेल हो गई उत्थे। और तुसी हैरान हो गए कि जदों देखिए गल बनदे नहीं टैंक अंदर ले आए, वो टैंक आ नहीं सी, वो जिहड़े पहिए हुंदे ना ट्रैक्टरां दे वड्डे वड्डे वो सन रबड़ दे, क्योंकि दूसरे आ ही नहीं सन सकते चेन वाले। फिर भी उन्हों का भार इन्ना ज़्यादा सी कि पौड़ियाँ टुट गई, बाबा दीप सिंह शहीद के सामने जगह सारी तस गई। एडे बेवकूफ लोग सन, कोई उन्होंने पता नहीं सी, वो श्री अकाल तख्त नू निशाना ला रहे सन, अकाल तख्त साहब समझ के दर्शन ड्योड़ी ते मार दे रहे, तो जो साडा माल असबाब सी बहुत कीमती वो सड़ भी गया सी, तुहानू पता है। बाद च किसी ने उन्होंने बंदे ने कहा भी ये तुसी गलत जगह निशाने लाते हो, तो फिर श्री अकाल तख्त साहब जी ते गोले मारने शुरू किए। और खास गल कह के मैं समाप्ति करा मैं आप कीर्तन करना है। एक बाग वाली गली सी गुरु नानक निवास के पिछे जी, ये तो छोटे बच्चे हैं उन्होंने नहीं पता होगा, मेरे ढाडी सिंह जड़े वीर है, वो गली पुराने तरीके की सी जिवें माई सेवा बाजार में होंदियां सी, जिहदे विच दो ही बंदे मसा निकल सकते, छोटे छोटी गलियां सी गुरु रामदास वेले दे जिहड़े घर बने हुए सी। उस गली विच वड़न दी हिम्मत नहीं सी करदी फौज, वह खाली पई सी। बबर खालसा दे सिंघां ने जथे दे सिंघां ने गुरु नानक निवास दे कोलों कंध पाड़ी, परले बन्ने बाग वाली गली सी, ते सिंह अपनी रणनीति दे मुताबक कि अगां भी लड़ना है अगां भी कुछ करना है उस गली विच दी निकल गए सन। उत्थे फौज नहीं आ सकती सी, 6 तरीक नूं आई उत्थे फौज। उस दौरान सारी रात मैं वह देखता रहा सारा कुछ, 5 तरीक नूं मैं भी उत्थों निकल गया सी, सानू गुप्त रस्तियां दा पता सी। निकल के लागे एक नागियां वाली गली सी चौंक करोड़ी विच, जिन्हां ने वेख्या होया अमृतसर, उत्थे एक 3 मंजिला मकान सी, मैं उत्थे बैठ के सारा कुछ अखीं वेखदा रहा सारा कुछ लिखदा रहा। लेकिन अफसोस वाली गल कि गरीबी इन्नी सी, 350 रुपये तनखा सी सारी श्रोमणी कमेटी दे रही सी, तो सरदा ने सी आटे दाल का भी कितने हल्दी भी लिया पैसे नहीं होंगे सी, कैमरा कितों लेंदे ना स्टिल कैमरा ना वीडियो, नहीं तो ऐसा ऐसी ऐसी जगह में बैठा सा कि वो बहुत वधिया एक दस्तावेज हो जाते। मेरे को सवाए लिखण दे कुछ नहीं सी, मैं बैठ के उत्थे लिखदा रहा। जिन्हां दे घर मैं पनाह ले रही सी नागियां दे, वो मैनू बुरा भला कहिंदे कि अकाली सानू मरवा दूगा कोठे तो उतरदा नहीं। मैं लिखण दा शौक सी शुरू तो, वह जिहड़ा शौक उस दिन इसलिए कम आया है कि यह मेरी कौम का एक इतिहास है, ये लिखना बड़ा जरूरी है। मैं लिखता रहा किनिया गोलियां किन्ने गोले किधरों आए की हमला होया, जो बसा अग लाई संत जरनैल सिंह पिंडरांवाले दीआं बसां खलोतियां सी ओह वी मैं तकियां सारियां, हाहाकार मची हुई सी, हथ खड़े हो करके लीडर निकलते रहे, बड़ा कुछ हो रहा सी, ग्रनेड सुट्टे जांदे सी, ग्रुपां नूं बिठा के गुरु रामदास सरां दे विचाले जगह च संगत नूं तो उत्तों ग्रनेड सुट्टे जांदे सीगे, जिहड़ा बच जावे बच जावे, जिहड़े चढ़ाई करके करके पानी किसे नूं पड़ाया नहीं जांदा सी,
हाँ कोई कोई पुलिस वाला तरस करके सरदार पुलिस वाले वो बेचारे डरते मारे जरूर जल पानी छका देंगे सन गोली मारने के हुक्म सन। खैर मैं गल नूं समेटा मैं लिखता रहा काफ़ी मेरे को दस्तावेज इकट्ठे हो गए। मैं एक एक चीज़ लिखी कि इन्ने बजे इतने गोली बजी इन्ने बजे आ होया आ होया आ होया तो मैं चलो कभी वक्त आएगा इन्हों कढ के संगत के सामने पेश करांगा। बहुत दिन असीं अंदर रहे 10 दिन बाद करफ्यू च ढिल हुई तो मैं अपनी वाइफ समेत बच्चों समेत पिंड नूं चलिया। मेरा पिंड डिस्ट्रिक्ट जलंधर विच लुंझ है। उत्थे जाण तक मैनूं 2 दिन लगे कि हर 2-4 किलोमीटर ते 10 किलोमीटर ते मिलटरी वाले बसां दीआं तलाशियां लैंदे सन। दस्तावेज मेरे कोल सन और मखू तक गया ते रात पै गई फिरोजपुर रोड ते। उत्थे लागे एक सिंघां दा पिंड सी उह मैनूं कहिंदे जी तुसीं कित्थों आए हो। मैं कहा जी दरबार साहब तो आया तो लोग तो उकसत सी भी कोई दरबार साहब को दिसे तो असीं गलबात पुछीए। वो अपने पिंड लै गए सारी रात उन्होंने सानू सौ ना दिता गलबात करते रहे कहिंदे अगां नहीं तुसीं जा सकते। अखीर उन्होंने सानू सवेरे ट्रैक्टर ते 25 किलोमीटर मेरे पिंड सानू छड के आए। वह दस्तावेज मैं अपने खूह ते उदों खूह हुंदे सी साडी जमीन सी थोड़ी जी खूह ते कच्चा कोठा सी उहदे उत्ते कानियां दी छत पाई हुई सी ते मैं जाके वह कागज़ बालियां दे विचाले शतीरी दे दिते अखबार च पा के कि वक्त आएगा कभी कढ लवांगा। पर मैनू की पता सी मैनू ये भी नहीं सी पता भी किस तरीके रखने चाहिए। जदों मैं 2 महीने बाद कढे तो सिउंक ने सारे खा ले सीगे छाण नहीं कर दिते सी। चेता तो मैनू बहुत कुछ है लेकिन वह ज़्यादा ज़्यादा वधिया चीज़ सी। मैं बड़ा पछताया कि होया फिर हुण मैं दोबारा लिखा जिन्ना कि मैनू याद सी वो अज मैं बुक छपाई नहीं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने उन्हें छापना है माई लाइफ दे विच। थोड़ा कुछ उच्चे जिहियां गल्लां भी मैं नहीं चाहुंदा कि हाले मेरा कुट खाण दा इरादा नहीं। मैं चाहुंदा क्योंकि मेरे अपने ने कुटना गौरमेंट ने तुहानू कुछ निकलना इन्हां नूं पता भाई साहब उन्हां नूं थोड़ा सच बोल दो तुहानू अपने कुटन लग पैंदे उह कहिंदे तूं गलत कह रहे हैं। जिन्ना मर्जी कोई चश्मदीद गवाह होवे उहनूं गलत कहणगे। अज दे जिहड़े नवें नवें मुंडे उह कहणगे नहीं जी तुसीं गलत हो। वो मैं लिखा हुआ मैं कहना जो मैं घर रिटायर हो जाऊँगा बैठ फूट जावगा फिर मैं उन्होंने 400 सफ़े में लिख चुका हुआ सारी। लेकिन उन्होंने तो वक्री है मार्क टली सतीश जैक ज होर लोग ने जिन्हें बराड़ ने बुचर बराड़ ने जनरल बराड़ से जरा कुलदीप बराड़ उन्होंने लिखिया हुई उन्होंने सच्चाई उन्नी नहीं जिनी होनी चाहिए सी क्योंकि उन्होंने अपनी किताबा बेचनिया सन बड़ा पैसा कमाया लोगों ने करोड़ों रुपए तो सानू बेचन असी तो बेचने नहीं साड़ी तो साढ़े तो अंदर लगी हुई जिदे घर अगे अग लगी हो चीज़ा नहीं सोचता। खैर वक्त आएगा जरूर जो मैं इतने नहीं बोल सकता तो सामने आ जाएगा। पर मैं अच्छ गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने कहना कल मैं ना भी होव वह होएगा सच। इन्ना मैं पता कि मैं आपकी ईमानदारी लिखा हुआ जिदे साड़िया भी कुछ कमजोरिया है जदों कोई लिखारी लिखे तो मेरा ख्याल उन्होंने कलम नाल ईमानदारी वरतनी चाहिए है कि जिथे असी गलत हाँ जिवें पुराने सिंह मन जाते मनना भी चाहिए। जिथे कोई साड़ी गलती है जिथे साडा तालमेल नहीं सी जिथे असी आपस में इकट्ठे नहीं सी उन्हां गल्लां दा जिक्र मैं माफ़ी मंगदा अजे नहीं कर सकता। वक्त आएगा वह बुक तुहानूं दसेगी कि जरूर वह गल्लां इन बिन सच्चियां लिखिया हुई। ठीक है सच कौड़ा हुंदा सच नूं फांसी हुंदी है तो चलदा रहेगा पर किसी नूं तो लिखना पएगा। झूठ झूठ हुंदा है जे झूठ लिखोगे तो इतिहास भी झूठा बनेगा। बहुत साडा सारा साडा इतिहास इसे तो इस तरह बन चुका कि असा लिखा ही नहीं होया जां जिन्हां ने लिखा वह अंग्रेजां दी खुशामद करन वाले लोग सन तो गलत हो गया सारा कुछ। खैर इन्ना कि मैं कह सकदा जो सल जो दुख असी सहे है किन्ने किन्ने दिन। और कमाल की गल है कि जो ब्लैक थंडर होया फिर मेरी ड्यूटी उत्थे जिदन विरक दे गोली वजी है SSP हुंदा सी उत्थे अंदर मेरी ड्यूटी सी ते सिंह साहब कोई नहीं सी सारे चले गए। इन्नी गल करके मैं कीर्तन की शुरुआत करदा है। बड़ी दिलचस्प गल है और बड़ी भयानक उदन मेरी अखा खुलियां कि अंदर गौरमेंट के बंदे भी है। अंदर कीर्तन कर रहे सी जथे बाहरों आने बंद हो गए बिल्कुल ही करफ्यू लग गया से कोई जा नहीं सकता सी। 9 घंटे मैनू कीर्तन करते हो गए से अपने जत्थे समेत।
मेरी साइड से राम सिंह सी बजुर्ग सके ये नहीं सन ने उदों ये उस दिन छुट्टी से सन ये हर बार ही बच जाते मैं फिर डे आ जाता सी ये भी तुम मैं उस दिन तो दस दवा उन्होंने दिनों में मैं खंड कितनी जथे में शामिल हों भाई मौलिक सिंह आस्ट्रेलिया वाले असं कट्ठे होंगे सारे उन्होंने भी बहुत पईया से आस्ट्रेलिया चले गए थे उन्होंने मैं ही भेजा सगा मैं क्या भरा जा भरा मेरे चले जा तेनू इन्हें चक देना जिम्मे तेरा सुभा है गर्म तुम जानते हो मौलिक सिंह उन्होंने दिनों में जिन्हों दिन की मैं गल करता है लेखन तो मेरी ड्यूटी मेरी सी उस दिन नौ घंटे कीर्तन किया फिर मैं क्या भी मैं हूँ नहीं कर सकता मैं तो हाजत है बड़ी पेशाब की मैं नहीं रह सकता उदो की हो भाई कुलविंदर सिंह अरदासी अजकल भी है वह मेरे नाल सन सिंह साहब सारे कोई नहीं उत्थे बाहरों आ नहीं सकते सर पंच सिंह से अंदर सारे जथे से सलाह मता यह की रहा पाठ करो गोली पिछों आ रही थी एक कमाल की गल बनी है कि मैं पहली बार किसी स्टेज से दस रहा दस्या नहीं कभी मैं इस तरह जत्था बैठता से इस तरह नहीं बैठे से एक ने हारमोनियम उत्थे कर दिता ता कि पिछे कंध आ जाए एक ने इस तरह कर लिया सेंटर से गोलियां आ गई साढ़े नहीं बजी क्योंकि पिछले बने कंध से दरबार साहब की और नौ घंटे कीर्तन किया उस तो बाद मेरी तौबा से जो कोई झूठ मारे जी मैं ज्यादा किया मैं इन्ना ही किया करके मैं कहा जी मेरी हूँ वाह कोई नहीं कुलविंदर सिंह कह लगे हूँ आप इस तरह करिए अरदास करिए आप निकलीए तो अरदास करके मैं कहा ठीक है जी उस वक्त जो अंदर होया सी जो लोग कर रहे सन वो मेरी बुक च है किवें उन्होंने गंद पा दिता से दरबार साहब अंदर की हालात हो गए सन अरदास की भाई कुलविंदर सिंह ने उसकी गंढ सुन दी है तो बाहरों गोली आ रही थी पूरी मशीन गन की मेरे नाल दो बच्चे से एक मेरा बेटा छे साल का एक भाई साहब भाई गुरमेल सिंह जी सूरमा सिंह दरबार साहब के पहले गीत भी बहुत कमाल के गीत भी उन्होंने मैं साहित्य लिया एक उन्होंने बच्चा वो भगत सिंह है अजकल तबला बजा है वो कित आए थे बेर खान अंदर जिते जो पन्नी बेरी उन्होंने बेर लगते होंगे बड़े बड़े पैर डिगते तो बच्चों शौक हों जो गोली चली तो दरबार साहब अंदर मेरे को आ गए उन्होंने मैं साइड से बिठा लिया एक तबलेल सिंह इधर बच्चे बड़े शैतान सन दो मैं कहा तुम जाना नहीं कितने असं अरदास की दोवों में उंगलों में पड़ा ये कमाल की गल है वह सुख की एक इधर उंगल लाया तो असं कूहियां पार हो के थले दरबार साहब अंदरों लड़ के अरदास करके भी निकल जाना जो होएगा तो असी बाहर में दर्शन जोड़े में निकलना शुरू हो गया जिन्ना देर असी दो होर सिंह तीन साढ़े रागी जथे के दो मेरे ना बच्चे छोटे छोटा जहा बाल जिम्मे भाई साहब के सामने बच्चा बैठा असी जाते रहे सामने हो छबील वाली गली तो उत्तों श्री अकाल तख्त साहब नाल खब्बे पास जी बिल्डिंग से जिथे ज्ञानी जगविंदर सिंह वेदांती रहिंदे सन उत्तों ब्रश आउंदे रहे उत्थे जिहड़ी इहनां दी सीआरपी बैठी हुई सी जो भी जां फौज बैठी सी वह ब्रश आउंदे रहे पता नहीं उन्हां सानूं जान के नहीं मारिया साडे पैरां विच वजदे रहे सारे पत्थर उपड़दे रहे पर सानूं नहीं लगे मैं क्लेम नहीं करता उन्होंने लोगों वांगू जी आ करामात हो गई सी की हो गई सी साड़ी वधी सी जां उन्होंने जान के नहीं मारिया मैनू नहीं पता असी अखीर तक जिथे कड़ा प्रसाद बनते अजकल उत्थे तक चले गए अगले बन्ने पंज छे सिंह शहीद होए पए सी श्री अकाल तख्त साहब जी दर्शन ज्योड़ी दे विचाले एक टोकरी ते टकसाल दा सिंह बैठा सी वह भी शहीद होया होया सी सेवा चल रही सी उत्थों असी छूट वट के जिथे कड़ा प्रसाद बनता है उहदे अंदर वड़ गए जिहड़ी अंदर नाली बाहर नूं जांदी सी पाणी वाली उत्थे जा के असी अपनी क्रियाकर्म कीती ते थोड़ा सानू ठीक साबित होया फिर गोली वजदिया ही गोली चलदिया ही असी मैं अपने घर नूं जाना शुरू करता जिथे है ना बाबा बुढ़ा साहब जी की बेर वड्डी सदियां पुरानी उहदे नाल पिछले बन्ने 30 नंबर कमरा सी जिथे कदे निशान सिंह कला नौर रहिंदा सी उत्थों पौड़ियां उत्ते चढ़ाइया हुई सी जसवीर सिंह रोडे उन्होंने दिनों में अकाल तख्त के जहेदार सी मैं बच्चों ने कहा पौड़ियाँ चढ़ो बच्चों की हिम्मत बड़ी होंगी वो तो सह वांगू एक मिनट से टिक टिक करके चढ़ गए तो जो मैं चढ़न लगा पिछों ब्रस्त फिर आने लग पाए मैं परले बने छाल मारी घर उत्थे मेरा घर से तो जोड़ा इनका सिंह खलोता से जसवीर सिंह रोडे का जोड़ा बाडीगार्ड से ब्रस्त वज गया उत्थे शहीद हो गया तो कमाल की गल है कि उस दिन कोई भी सिंह साहब इतने नहीं पता नहीं उन्होंने पहले ही पता कि होना कुछ अनपोड़ लोग उत्थे ही सन सारे खैर
9 घंटे वह एक तांडव इस तरह चलता रहा गोली का उस तो बाद भी, पर मैं 9 घंटे बाहर निकल गया सा। एक चंगी गल भी है बहुत, एक चमन लाल DIG हुंदा सी, डेपुटेशन ते आया सी, वो इन्ना वधिया बंदा सी, बाहर खड़ोता सी, उस स्पीकर ते कह रहे सी कि सारे सिंह अंदरों निकल आओ, किसी नूं कोई खतरा नहीं, जिहड़े सही होणगे असीं कुछ नहीं कहिंदे। असीं बाहर निकले, मेरी वाइफ दे दस्तार सजाई हुई सी, बच्चे नाल सन, रोंदे कलोंदे सन। तुसीं हैरान ना होना कि ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਕੱਟੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਬ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਏ ਸੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚਮਨ ਲਾਲ DIG ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਆ ਰਿਹਾ 9 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ, ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਚਮਨ ਲਾਲ DIG ਨੇ, ਬਾਹਮਣ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੈਂ ਐਸੇ ਵੇਖੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਉਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਰਹੇ ਭਾਜੀ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਉਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਲਿਆ, 84 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਢਵਾ ਲਏ, ਟੈਂਕ ਚੜ੍ਹਾ ਲਏ, ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ? ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਈਏ ਊਚ ਨੀਚ ਤੋਂ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਏਅਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੁਝਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਸਵਰ ਲੈ ਤਾਲ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕਮਾਲ ਲੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਕਲੀ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਬੈਰਾਗ, ਉਹ ਚੀਸ, ਉਹ ਹੋਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਢਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜਥੇ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵਕਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਘੇਰਾ ਤਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, 1 ਜੂਨ ਨੂੰ CRPP ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਨੇ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਬਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਸਨ ਬਾਬਾ ਟਲ ਰਾਏ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਤੋਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਪੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੌਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।
ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਤਬਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਕਲ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਨੇ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਨੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹੋ, ਬਸ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਛੂਹ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਡੇ ਹੋਈਏ। ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰਾ। ਗਦਾਰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਗਦਾਰ ਉਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਇਤਨੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਭਰੇ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਈਰਖਾ ਨੂੰ, ਦਵੈਸ਼ ਨੂੰ, ਊਚ ਨੂੰ, ਨੀਚ ਨੂੰ, ਤੇਰ ਨੂੰ, ਮੇਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਸਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਵਿਜੇ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਚਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੜਕੇ ਠੀਕ ਰਾਤ ਦੇ 4 ਕੁ ਵਜੇ ਘੇਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਸ ਵਕਤ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਮੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਦੇਗੀ। ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਤੋਪ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਐਡਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਸੀ ਅਜੀਤ ਨਗਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਪ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਗੋਲਾ, 2-3 ਗੋਲੇ ਮਾਰੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਤਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਟੈਂਕੀ ਟੈਟੇਰੀ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਉਤਰ ਗਏ ਸਨ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੈਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੱਕਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਮ, ਔਰ ਗਹਿ ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਚਕਰਾਤਾ UP 'ਚ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਏ, ਉਹ ਟੈਂਕ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਸਨ ਰਬੜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ ਚੇਨ ਵਾਲੇ।
फिर भी उन्हों का भार इन्ना ज़्यादा सी कि पौड़ियाँ टुट गईं। बाबा दीप सिंह शहीद के सामने जगह सारी तस गई। एडे बेवकूफ लोग सन, कोई उन्होंने पता नहीं सी। वो श्री अकाल तख्त नूं निशाना ला रहे सन, अकाल तख्त साहब समझ के दर्शन ड्योड़ी ते मार दे रहे। तो जो साडा माल असबाब सी बहुत कीमती, वो सड़ भी गया सी, तुहानूं पता है। बाद च किसी ने उन्होंने बंदे ने कहा भी ये तुसी गलत जगह निशाने लाउंदे हो। तो फिर श्री अकाल तख्त साहब जी ते गोले मारने शुरू किए सी। और खास गल कह के मैं समाप्ति करा मैं आपां कीर्तन करना है। एक बाग वाली गली सी गुरु नानक निवास के पिछे जी। ये छोटे बच्चे है, इन्होंने नहीं पता होगा, मेरे ढाडी सिंह जिहड़े वीर है। वह गली पुराने तरीके की सी, जिवें माई सेवा बाजार में होंदियां सी, जिहदे विच दो ही बंदे मसा निकल सकते। छोटे छोटी गलियां सी, गुरु रामदास वेले दे जिहड़े घर बने हुए सी। उस गली विच वड़न की हिम्मत नहीं सी करदी फौज, वह खाली पई सी। बब्बर खालसा दे सिंघां ने, जथे दे सिंघां ने गुरु नानक निवास दे कोलों कंध पाड़ी, परले बन्ने बाग वाली गली सी। ते सिंह अपनी रणनीति दे मुताबक कि अगां भी लड़ना है, अगां भी कुछ करना है, उस गली विच दी निकल गए सन। उत्थे फौज नहीं आ सकती सी, 6 तरीक नूं आई उत्थे फौज। उसे दौरान सारी रात मैं वह देखता रहा सारा कुछ। 5 तरीक नूं मैं भी उत्थों निकल गया सी, सानूं गुप्त रस्तियां दा पता सी। निकल के लागे एक नागियां वाली गली सी चौंक करोड़ी विच, जिन्होंने वेख्या हो अमृतसर। उत्थे एक 3 मंजिला मकान सी, मैं उत्थे बैठ के सारा कुछ अखीं वेखदा रहा, सारा कुछ लिखता रहा। लेकिन अफसोस वाली गल कि गरीबी इन्नी सी, 350 रुपये तनखा सी, सारी श्रोमणी कमेटी दे रही सी। तो सरदा ने सी आटे दाल का भी कितने हल्दी भी लिया, पैसे नहीं होंगे सी। कैमरा कितों लेंदे, ना स्टिल कैमरा ना वीडियो, नहीं तो ऐसा ऐसी जगह में बैठा सा कि वह बहुत वधिया एक दस्तावेज हो जाते। मेरे को सवाए लिखण दे कुछ नहीं सी। मैं बैठ के उत्थे लिखता रहा। जिन्हां दे घर मैं पनाह ले रही सी नागियां दे, वह मैनू बुरा भला कहिंदे कि ए अकाली है, सानू मरवा दूगा, कोठे तो उतरदा नहीं। मैनू लिखण दा शौक सी शुरू तो। ते वह जिहड़ा शौक उस दिन इसलिए कम आया कि यह मेरी कौम का एक इतिहास है, ये लिखना बड़ा जरूरी है। मैं लिखता रहा किनियां गोलियां, किन्ने गोले, किधरों आए, की हमला होया। जो बसा अग लाई, संत जरनैल सिंह पिंडा वाले दसा खलोतियां से, वह भी मैं तकियां सारियां। हाहाकार मची हुई सी, हथ खड़े हो करके लीडर निकलते रहे, बड़ा कुछ हो रहा है, ग्रनेड सुट्टे जाते। ग्रुपा बिठा के गुरु रामदास सरां के विचाले जगह से संगत न तो उत्तों ग्रनेड सुट्टते जाते। जोड़ा बच जाए जेड़े चढ़ाई करके करके पानी किसी ने पड़ाया ले जाता स। हाँ, कोई कोई पुलिस वाला तरस करके, सरदार पुलिस वाले, वो बेचारे डरते मारे जरूर जल पानी छका देंगे सन, गोली मारन दे हुक्म सन। खैर मैं गल नूं समेटा, मैं लिखता रहा। काफ़ी मेरे को दस्तावेज इकट्ठे हो गए। मैं एक एक चीज़ लिखी कि इन्ने बजे इतने गोली बजी, इन्ने बजे आ होया, आ होया, आ होया। तो मैं चलो कभी वक्त आएगा इन्हों कढ के संगत के सामने पेश करांगा। बहुत दिन असीं अंदर रहे। 10 दिन बाद करफ्यू च ढिल हुई, तो मैं अपनी वाइफ समेत बच्चों समेत पिंड नूं चलिया। मेरा पिंड डिस्ट्रिक्ट जलंधर विच लुंझ है। उत्थे जाण तक मैनूं 2 दिन लगे, क्योंकि हर 2-4 किलोमीटर ते 10 किलोमीटर ते मिलटरी वाले बसां दीआं तलाशियां लैंदे सन, दस्तावेज मेरे कोल सन। और मखू तक गया ते रात पै गई, फिरोजपुर रोड ते। उत्थे लागे एक सिंघां दा पिंड सी, उह मैनूं कहिंदे जी तुसीं कित्थों आए हो। मैं कहा जी दरबार साहब तो आया। तो लोग तो उकसत सी कोई दरबार साहब को दिसे तो असीं गलबात पुछीए। वो अपने पिंड लै गए, सारी रात उन्होंने सानू सौ ना दिता, गलबात करते रहे। कहिंदे अगां नहीं तुसीं जा सकते। अखीर उन्होंने सानू सवेरे ट्रैक्टर ते 25 किलोमीटर मेरे पिंड सानू छड के आए। वो दस्तावेज मैं अपने खूह ते, उदों खूह हुंदे सी, साडी जमीन सी थोड़ी जी, खूह ते कच्चा कोठा सी, उहदे उत्ते कानियां दी छत पाई हुई सी। ते मैं जाके वो कागज़ बालियां दे विचाले शतीरी दे दिते अखबार च पा के कि वक्त आएगा कभी कढ लवांगा। पर मैनू की पता सी, मैनू ये भी नहीं सी पता भी किस तरीके रखने चाहिए। जदों मैं 2 महीने बाद कढे तो सिउंक ने सारे खा ले सीगे, छाण नहीं कर दते सी। चेता तो मैनू बहुत कुछ है, लेकिन वो ज़्यादा ज़्यादा वधिया चीज़ सी।
मैं बड़ा पछताया कि की होया। फिर हूँ मैं दोबारा लिखा जिन्ना कि मैं याद सी, वो अज मैं बुक छपाई नहीं, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने उन्हें छापना है माई लाइफ दे विच। थोड़ा कुछ उच्चे जिहियां गल्लां भी मैं नहीं चाहता कि हाले मेरा कुट खाण का इरादा नहीं, मैं चाहना क्योंकि मेरे अपने ने कुटना, गौरमेंट ने तुहानू कुछ निकलना इन्हां पता भाई साहब उन्हां नूं थोड़ा सच बोल दो तुहानू अपने ही कुटन लग पैंदे, कहिंदे तूं गलत कह रहे हैं। जिन्ना मर्जी कोई चश्मदीद गवाह होवे उहनूं गलत कहणगे, अज दे जिहड़े नवें नवें मुंडे उह कहणगे नहीं जी तुसीं गलत हो। वह मैं लिखा होया, मैं कहना जो मैं घर रिटायर हो जाऊंगा बैठ फूट जावगा फिर मैं उन्होंने 400 सफ़े में लिख चुका हुआ सारी। लेकिन उन्होंने तो वक्री है मार्क टली, सतीश जैकब जा होर लोगों ने, जिन्हें बराड ने, बुचर बराड ने, जनरल बराड से जरा कुलदीप बराड, उन्होंने लिखिया हुई उन्होंने सच्चाई उन्नी नहीं जिनी होनी चाहिए सी, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबा बेचनिया सन, बड़ा पैसा कमाया लोगों ने करोड़ रुपए, तो सानू बेचन असी तो बेचने नहीं, साड़ी तो साढ़े तो अंदर लगी हुई जिदे घर अगे अग लगी हुई हो, चीज़ा नहीं सोचता। खैर वक्त आएगा जरूर जो मैं इतने नहीं बोल सकता तो सामने आ जाएगा, पर मैं अच्छ गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने कहना कल मैं ना भी होव वो होएगा सच। इन्ना मैं पता कि मैं आपकी ईमानदारी लिखा हुआ है जिदे साड़िया भी कुछ कमजोरियां है, जो कोई लिखारी लिखे तो मेरा ख्याल उन्होंने कलम नाल ईमानदारी वरतनी चाहिए है कि जिते असी गलत हाँ, जिमें पुराने सिंह मन जाते मनना भी चाहिए, जिते कोई साड़ी गलती है, जिते साड़ा तालमेल नहीं सी, जिते असी आपस में इकट्ठे नहीं सी, उन्होंने गलों का जिक्र मैं माफ़ी मंगता अजय नहीं कर सकता। वक्त आएगा वो बुक तुम दसेगी कि जरूर वह गल् इन बिन सच्चिया लिखी हुई, ठीक है सच कौड़ा हों, सच में फांसी होंगी है तो चलता रहेगा, पर किसी तो लिखना पेगा, झूठ झूठ हुंदा है, जे झूठ लिखोगे तो इतिहास भी झूठा बनेगा। बहुत साडा सारा साडा इतिहास इसे तो इस तरह बन चुका कि असा लिखा ही नहीं होया, जां जिन्हां ने लिखा वो अंग्रेजां दे दी खुशामद करन वाले लोग सन, तो गलत हो गया सारा कुछ। खैर इन्ना कि मैं कह सकदा जो सल जो दुख असी सहे है किन्ने किन्ने दिन, और कमाल की गल है कि जो ब्लैक थंडर होया से फिर मेरी ड्यूटी उत्थे जिदन विरक दे गोली वजी है, SSP हुंदा सी उत्थे अंदर मेरी ड्यूटी सी, ते सिंह साहब कोई नहीं सी सारे चले गए। इन्नी गल करके मैं कीर्तन की शुरुआत करदा है, बड़ी दिलचस्प गल है और बड़ी भयानक। उदन मेरी अखा खुलियां कि अंदर गौरमेंट के बंदे भी है, अंदर कीर्तन कर रहे सी, जथे बाहरों आने बंद हो गए, बिल्कुल ही करफ्यू लग गया से कोई जा नहीं सकता सी। 9 घंटे मैंने कीर्तन करते हो गए से अपने जथे समेत, मेरी साइड से राम सिंह सी बजुर्ग सके, ये नहीं सन उदो, ये उस दिन छुट्टी से सन, ये हर बार ही बच जाते, मैं फिर डे आ जाता स, यह भी तुम मैं उस दस देव उन्होंने दिनों में मैं खंड कीर्तनी जथे में शामिल हों, भाई मौलिक सिंह आस्ट्रेलिया वाले असी कट्ठे होंगे सारे, उन्होंने भी बहुत पईया से आस्ट्रेलिया चले गए थे, उन्होंने मैं ही भेजा, मैं क्या भरा जा भरा मेरे चले जा तेन इन्हें चक देना जिम्मे तेरा सुभा है गर्म, तुम जान दे मौलिक सिंह। उन्होंने दिनों में जिस दिन की मैं गल करता है ब्लैक थंडर वाली ड्यूटी मेरी सी, उस दिन 9 घंटे कीर्तन किया, फिर मैं क्या भी मैं हूँ नहीं कर सकता, मैं तो हाजत है बड़ी पेशाब की, मैं नहीं रह सकता। उदो की होने लग पाया कि भाई कुलविंदर सिंह अरदासी अजक भी है वो मेरे नाल सन, सिंह साहब सारे कोई नहीं उ बहरों आ नहीं सकते, पंच सिंह से अंदर सारे जथे समेत सलाह मता यह की रहस का पाठ करो, गोली पिछु आ रही थी, कमाल की गल बनी है कि मैं पहली बार किसी स्टेज से दस रहा दसिया नहीं कभी, मैं इस तरह जत्था बैठता से इस तरह नहीं बैठे से, एक ने हरमोनी मोथे कर दिता ता कि पिछले कंध आ जाए, एक ने इस तरह कर लिया सेंटर से गोलियां आ गई साढ़े नहीं बजी क्योंकि पिछले बने कंध से दरबार साहब की, और 9 घंटे कीर्तन किया उस तो बाद मेरी तौबा से, जो कोई झूठ मारे जी मैं ज्यादा किया मैं इन्हें किया करके, मैं कहा जी मेरी हूँ वाह कोई नहीं। कुलविंदर सिंह कह लगे हूँ आप इस तरह करिए अरदास करिए आप निकलीए इतों अरदास करके, मैं ठीक है जी। उस वक्त जो अंदर होया सी जो लोग कर रहे सन वो मेरी बुक च है कि उन्होंने गंद पा दिता दरबार साहब अंदर की हालात हो गए सन, अरदास की भाई कुलविंदर सिंह ने वो गंढ सुन दी ते बारों गोली आ रही थी पूरी मशीन गन की, मेरे नाल 2 बच्चे से, एक मेरा बेटा
छे साल का एक भाई साहब भाई गुरमेल सिंह जी सूरमा सिंह दरबार साहब के पहले कीर्तन गए बहुत कमाल के कीर्तन गए उन्होंने मैं सहमति लिया एक उन्हों का बच्चा उधर भगत सिंह है अजकल तबला बजाता है वह कित आए थी बेर खान अंदर जिते जो पन्नी बेरी उन्होंने बेर लगते होंगे बड़े बड़े पैर डिगते थे बच्चों को शौक होंगे जो गोली चली तो दरबार साहब अंदर मेरे को आ गए उन्होंने मैं साइड से बिठा लिया एक तबलियाल सिंह इधर बच्चे बड़े शैतान सन दो मैं कहा तुम जाना नहीं कितने असं अरदास की दोवों में उंगलों में फड़ा ये कमाल की गल है उस वक्त की एक इधर उंगल लाया तो असं कूहिया पार हो गए थल्यो दरबार साहब अंदरों लटक के अरदास करके भी निकल जाना जो होएगा तो असं बाहर दर्शन जोड़ी निकलना शुरू हो गया जिन्ना देर असी दो होर सिंह तीन साढ़े रागी जथे के दो मेरे ना बच्चे छोटे छोटा जहा बाल जिम्मे भाई साहब के सामने बच्चा बैठा है असी जाते रहे सामने छबील वाली गली तो उत्तों श्री अकाल तख्त साहब नाल खब्बे पास जी बिल्डिंग से जिथे ज्ञान जरूर सिंह वेदांती रेंदे सन उतों ब्रस्ट आते रहे उत्थे जिहड़ी इहनां दी सीआरपी बैठी हुई सी जो भी जां फौज बैठी सी वो ब्रस्ट आते रहे पता नहीं उन्हें सानू जान के नहीं मारे साढ़े पैरों में वजते रहे सारे पत्थर उपड़ गए पर सानू नहीं लगे मैं क्लेम नहीं करता उन्होंने लोगों वांगू जी करामात हो गई सी की हो गई सी साड़ी वधी सी जां उन्होंने जान के नहीं मारिया मैनू नहीं पता असी अखीर तक जिथे कड़ा प्रसाद बनते अजकल उत तक चले गए अगले बन्ने पांच छे सिंह शहीद होए पए सी श्री अकाल तख्त साहब जी दर्शन ज्योड़ी के विचाले एक टोकरी ते टकसाल का सिंह बैठा सी वह भी शहीद होया होया सी सेवा चल रही सी उतों असी छूट वट के जिथे कड़ा प्रसाद बनता है वो अंदर वड़ गए जिहड़ी अंदर नाली बाहर नूं जांदी सी पानी वाली उत्थे जाकर सी अपनी क्रियाकर्म कीती ते थोड़ा सानू ठीक साबित होया फिर गोली वजदिया ही गोली चलदिया ही असी मैं अपने घर नूं जाना शुरू करता जिथे है ना बाबा बुढ़ा साहब जी की बेर वड्डी सदियां पुरानी उहदे नाल पिछले बन्ने 30 नंबर कमरा सी जिथे कदे निशान सिंह कला नौर रहिंदा सी उत्थों पौड़ियां उत्ते चढ़ाइया हुई सी जसवीर सिंह रोडे उन्हां दिनां विच अकाल तख्त दे जहेदार सी मैं बच्चों ने कहा पौड़ियां चढ़ो बच्चों की हिम्मत बड़ी हुंदी आ उह ते सह वांगू एक मिनट च टिक टिक करके चढ़ गए तो जो मैं चढ़न लगा पिछों ब्रस्त फिर आउण लग पए मैं परले बने छाल मारी घर विच उत्थे मेरा घर सी ते जिहड़ा इहदा सिंह खलोता सी जसवीर सिंह रोडे दा जिहड़ा बाडीगार्ड सी उहदे ब्रस्त वज गया उत्थे शहीद हो गया ते कमाल की गल है कि उस दिन कोई भी सिंह साहब इतने नहीं पता नहीं उन्होंने पहले ही पता से कि वे होना कुछ अनपोड़ लोग उत्थे सन सारे खैर 9 घंटे वह एक तांडव इस तरह चलता रहा गोली का उस तो बाद भी पर मैं 9 घंटे बाहर निकल गया सा एक चंगी गल भी है बहुत एक चमन लाल DIG हुंदा सी डेपुटेशन ते आया सी वो इन्ना वधिया बंदा सी बाहर खलोता सी वो स्पीकर ते कह रहे सी कि सारे सिंह अंदरों निकल आओ किसी ने कोई खतरा ने जिहड़े सही होणगे असी कुछ नहीं कहिंदे असी बाहर निकले मेरी वाइफ दे दस्तार सजाई हुई सी बच्चे नाल सन रोंदे कलोंदे सन तुसी हैरान ना होना कि जदों बाहर आलू वाली कटड़े विच निकले जिथे बबरां ने जलेबियां वाले बाजार च एक वारी बंब चलाया सीगा ते बड़े गड्डी चढ़ाए सी उधरों निकले ते वो चमन लाल DIG ने दूरों कहा कि वह जिहड़ा सिंह आ रहा 9 घंटे होकर ड्यूटी करते उन्होंने कोई बाहां थले कर लवे वो दोषी नहीं उसने खुद मैनू बुलाया कहिंदे भाई साहब कित्थे जाना मैनू पता है कि तुसी ड्यूटी वाले बंदे सी साडे वांग उहने मैनू गड्डी दित्ती अपनी एक इंस्पैक्टर दिता नाल अपनी पूरी पूरे बंदे दिते तो वह गड्डी मैनू 100 किलोमीटर मेरे पिंड फिर छड़ के आई बच्चों समेत थोड़े दिन बाद उन्हें रिजाइन करता से चमन लाल DIG ने बामन सी कहिंदा मैं एक गलत नहीं कर कम कर सकता फड़ फड़ के जेल च डाके ते गोलियां मार दी है इहो जे बंदे भी सी यानी हर कौम च चंगे भी बंदे हुंदे आ ते माड़े भी हुंदे आ साडे विच अज भी गदार है उन्हां नालों माड़े आ ते कई वारी वह भी लोग कम आउंदे जिन्हां नूं असीं बुरा समझदे वह भी साडी मदद कर जांदे ऐसे बंदे लखां ऐसे वेखे आपदी जिंदगी विच खैर मैं गल इत्थे मुकाउणा इहो जिहा वक्त साढ़े ते आवे ना ते कौम मेरी बेनती है लाइव चला रहे भाजी जां दुबारा चलाउणा ओह इकट्ठे हो जाओ अजे पता नहीं आ जिहड़े हुण आए इन्हां ने किन्नां नाल इस तरह करना है अजे की कुछ होण वाला है सानू संभल जाणा चाहीदा है
ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਉਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਲਿਆ, 84 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਢਵਾ ਲਏ, ਟੈਂਕ ਚੜ੍ਹਾ ਲਏ, ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ? ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਈਏ ਊਚ ਨੀਚ ਤੋਂ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਏਅਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ। ਸਵਰ ਲੈ ਤਾਲ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕਮਾਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਕਲੀ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਬੈਰਾਗ, ਉਹ ਚੀਸ, ਉਹ ਹੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਢਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜਥੇ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵਕਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਘੇਰਾ ਤਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, 1 ਜੂਨ ਨੂੰ CRPP ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਨੇ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਬਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਸਨ ਬਾਬਾ ਟਲ ਰਾਏ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਤੋਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਪੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੌਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਤਬਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਨੇ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਨੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹੋ, ਬਸ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਛੂਹ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੰਡੇ ਹੋਈਏ। ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰਾ। ਗਦਾਰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਗਦਾਰ ਉਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਇਤਨੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ
कि असी किसी भी जंदी जथेबंदी ने होइए पहला सिख है, पर उस वक्त भी अंदर दे हालात कशीदगी भरे सी आपस विच भी। जथे वाले सिंघां नूं पता उस बारे जानदे ने सारे, पर मैं समझदा कि ऐसे वाली इन्हां गल्लां नूं नज़रअंदाज करके ईरखा नूं द्वेष नूं ऊच नूं नीच नूं तेर नूं मेर नूं अपने जथेबंदे नूं छड्ड के सिर्फ एक ही होना चाहिए सी कि साड़ी मंजिल एक है, इस करके असीं इकट्ठे होना। पर सदा असीं थिड़क जाने इस गल तों। 3 तरीक नूं अंदर सां असीं